हाई फ्रेंड्स, आई एम लवलीन। वेलकम यू टू एंजल्स ब्लेसिंग्स टैरो विद लवलीन। तो आज का टॉपिक है कि 2021 में आपकी कौन सी विश पूरी होगी। तो यहाँ तीन पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल दिस मल्टी कलर पेंडेंट, सेकेंड पाइल दिस हार्ट, एंड थर्ड पाइल दिस ब्लू हार्ट। तो जोन सी भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है, जहाँ भी आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन दिस मल्टी कलर पेंडेंट चूज़ करा था, आइए देखते हैं क्या उनकी विश इस साल पूरी होगी या नहीं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल इन रिवर्स, बट मैं रिवर्स कार्ड नहीं रीड करती, द फूल, द मून, टेन ऑफ कप्स, द स्टार इन रिवर्स, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ मुझे फायर साइन दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आप इन साइन में से आपकी कोई एक साइन हो सकता है। एंड इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कि जो विशेज हैं, मे बी जैसे आप करियर वाइज थोड़ा परेशान हो और आपको लगता हो कि आपके एफर्ट्स काम आएंगे या नहीं। सो विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने एफर्ट्स करे हैं, जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं, वो ज़रूर काम आएंगे, उनका ज़रूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस साल। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस प्लस प्लानिंग की ज़रूरत है। एंड मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए इस साल जिसमें आपको फेयर डिसीजन लेना हो। मे बी ये आप लें या आपकी मदर लें या कोई आपके फीमेल फ्रेंड हो तो वो लें। तो मे बी कोई फीमेल से रिलेटेड कोई ऐसा डिसीजन होगा या वो लेंगी ऐसा डिसीजन या आप लेंगे ऐसा डिसीजन जिसमें आपको मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, नेगेटिविटी को दूर रख के आपको सोचना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप थोड़े रिस्क टेकर हो, आपको आप थोड़े केयरलेस से हो, मतलब जो लोग बोलते हैं या पिछले साल आप ऐसे रह चुके हो, जो लोग बोलते हैं उनकी मान लो और फिर आपको उसी का ही बाद में आपको उसी से ही परेशानी होती हो। सो अगर आप ऐसे हैं तो इस साल इस चीज़ से संभल के रहिए। एंड अगर ऐसे आप नहीं हो, अगर अभी आप नहीं हो, तो थोड़ा जो आपके थॉट्स आपको बोलते हैं वो आप सुनिए। इस साल आपकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी, इंट्यूशंस, और जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, द स्टार कार्ड आया है, सो जो भी आप मैनिफेस्टेशंस करते हो, जो भी आप प्रेयर्स करते हो, उसको आप थोड़ा और ज़्यादा करोगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इस साल आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन वो जस्ट टेम्परेरी होंगे। अगर आप उनका अच्छे से सामना करेंगे, स्टैंड लेंगे अपने लिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जस्ट टेम्परेरी है ये सब चीज़। मे बी इस साल आपके कोई प्रपोजल आ सकता है और कोई आप किसी विद द टेन ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी फैमिली गैदरिंग में मिल सकते हैं, किसी फंक्शन में मिल सकते हैं, किसी भी तरह से कोई किसी ओकेजन पे मिल सकते हैं। सो मे बी इस साल आपके पास कोई प्रपोजल भी आ सकता है।
थोड़ा अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करना इस साल, और जो आपकी विशेज़ हैं वो आप उनको पूरा करने के लिए आप थोड़ी ज़्यादा प्रेयर्स करो, थोड़ा प्लानिंग से करो हर चीज़, और पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो विद द फाइव ऑफ कप्स थोड़ा सोच समझ के करो। जो भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लेते हो तो थोड़ा बड़ों की एडवाइस लो। मे बी आपके फादर होंगे, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप फादर से अपने एडवाइस ले सकते हो, और अपने अगर ग्रैंड फादर है उनसे ले सकते हो, कोई एडवाइज़र भी, प्रोफेशनल एडवाइज़र भी हायर कर सकते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसकी एडवाइस लेना चाहते हो। और पिछले साल आपके लाइफ में विद अ डेविल, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बैड फेज था जो कि ख़त्म हो चुका है अब, और एक न्यू स्टार्ट होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में इस साल। एंड विद द नाइन ऑफ कप्स आप मे बी करियर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इस साल अपने आप को स्टेबल महसूस करोगे, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर महसूस करोगे। मे बी कुछ ऐसी परेशानियाँ आई हो आपकी लाइफ में पिछले साल कि आपको समझ ना आ रहा हो कि आपको इस स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि उनको इस लाइन में जाना चाहिए या उस लाइन में, तो जो भी हो आपने लाइन चूज़ करी है वो बेटर है, वो बहुत अच्छी है, और उसमें ही अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप मे बी किसी फैशन इंडस्ट्री में हो सकते हो, या किसी क्लोथ की इंडस्ट्री में हो सकते हो, फैब्रिक इंडस्ट्री में हो सकते हो, आपका कोई टेक्सटाइल्स का काम हो सकता है। तो उसमें अगर आप उसको बढ़ाओगे, उस बिज़नेस को एक्सपैंड भी करना चाहोगे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस में या कोई भी चीज़ में, अगर आपको कोई फाइनेंशियली कोई ऐसा डिसीज़न लेना हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना हो, तो थोड़ा सोच समझ के लिए एडवाइज़र हायर करें, एडवाइस लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इस साल आपकी लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इन योर करियर लाइफ एंड इन योर लव लाइफ, वो स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो आएगी जो पिछले साल बिल्कुल भी नहीं थी। एंड अगर मैं देखूं कि इस साल आपकी विशेस पूरी होंगी या नहीं, तो ये सब आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्शंस करते हैं, आप क्या करते हैं। ये पूरा साल आपको जो आप करेंगे उसी का ही आपको रिएक्शन देगा। तो जैसे कहते हैं कि जैसा आप एक्शन करते हैं वैसे ही आपको उसका रिएक्शन मिलता है, तो ये साल आपके लिए ऐसा रहेगा, और विशेस भी उसी अकॉर्डिंग आपकी होंगी। तो ये न्यूट्रल कार्ड है, हो भी सकती हैं और नहीं भी, ऐसा इसीलिए जैसा मैंने कहा कि जैसे आप एक्शंस करेंगे लेंगे वैसे ही उसका रिएक्शन मिलेगा। तो पॉजिटिव रहिए और फेयर डिसीजन लीजिए, सोच समझ के करिए हर काम, और पेशेंस रखिए, प्लानिंग के साथ चलें तो सब सही रहेगा। और सो जैसा भी आपको रेजोनेट होता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप कोई और पायल भी ले सकते हैं। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, अगर आपको रेजोनेट हुई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी के लिए बाय बाय। तो जिन्होंने भी ये पायल नंबर 2 ये हार्ट चूज़ करा है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर इन रिवर्स एंड डेथ इन रिवर्स। ओके, तो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड फायर साइन है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस।
तो आप इन दोनों में से किसी साइड के हो सकते हैं, एंड मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आप इस साल काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी स्किल्स सीखेंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक प्रोफेशनलिज्म में ले जाएंगी, और आप काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली काम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा। और इस साल मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। मे बी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको कोई पार्टनरशिप मिल सकती है, और अगर नहीं तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो ये हो सकता है। और आपके इस साल अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो कोई आप फीमेल के साथ भी, जैसे मैंने बताया, पार्टनरशिप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मे बी पिछले साल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो बिजनेस वाइज भी और अपने पर्सनल लाइफ वाइज भी, तो उन सब से अब आपने मूव ऑन कर लिया है और उन सब से छुटकारा पाके इस साल जो भी है आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि द डेथ का कार्ड आया है। तो ये एक यही दिखाता है कि आपकी जो लाइफ में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी, जो भी एक बैड फेज था, उनका एक एंड हो चुका है और आपकी लाइफ में इस साल एक न्यू स्टार्ट होगी, जिससे कि एक कंस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन के बाद एक कंस्ट्रक्शन होगी, जो कि आप फिर से अपनी सक्सेस की ओर स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे। एंड पर्सनल लाइफ वाइज भी ऐसा ही रहेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। एंड विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप मे बी अगर बिजनेस करते हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, तो थोड़ा स्टेबल रहें, थोड़ा लॉजिकली सोचें। और स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ लें, जिनमें भी उनको इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर वगैरह, इन सब चीज़ों से जिससे भी रिलेटेड हो आपको वही चीज़ चूज़ करनी है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास कुछ ऐसी इस साल कंपनीज आ सकती हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करें, आपका माइंड का मतलब मैनिपुलेट करें, तो आप उस चीज़ से बचें और थोड़ा लॉजिकली सोचें अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। एंड विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जितने भी एफर्ट्स लगाते हैं वो काम नहीं आते हैं, तो आपके इस साल जो भी आपकी विशेज़ हैं वो काफ़ी हद तक पूरी होंगी। और क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं समझते तो इस साल आप कुछ हद तक हो जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी काफ़ी, मतलब जो पिछले साल तक होती आई हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एंड आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन के थ्रू भी आपको कोई ऑफर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा साल रहेगा आपके लिए। एंड विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप थोड़ा, अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई भी हैं तो आप थोड़ा अगर दान पुण्य वगैरह करेंगे, आप थोड़ा चैरिटी वगैरह में जाएंगे और थोड़ा हेल्प करेंगे लोगों की, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसका रिवॉर्ड भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और थोड़ा काइंड रहिए लोगों के साथ। एंड विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी इस साल, आपकी विशेज़ पूरी होंगी, ये गुड लक का कार्ड है, तो आपको नेम फेम प्रोस्पेरिटी मिलेगा इस साल जो कि आपको पिछले साल तक नहीं मिला। अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपको ये है कि प्रमोशन नहीं मिला अब तक, तो ज़रूर मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट मिले लेकिन ज़रूर मिलेगा। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आपके जो लाइफ में या आपके मतलब
ऐसे कोई आपकी लाइफ में हो सकते हैं, मे बी आपके फादर हो सकते हैं, जिनको देख के आपको लगता हो कि ये तो बस हमेशा डांटते रहते हैं, या वो रूडली थोड़ा आपसे बात करते हो, लेकिन जो भी वो बात करते हैं वो एक सही उसमें बात करते हैं, और उनके डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा सही होते हैं, तो आप उनकी ज़्यादा सुने, थोड़ा डिसीजंस लेने के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड विद द वर्ल्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जॉब की तलाश में हैं, या आपने अगर इंटरव्यू दे रखा है किसी फॉरेन कंट्री में, तो थोड़ा सा मे बी डिले हो सकता है उसका रिज़ल्ट, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, गुड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और आप इस साल थोड़ा फॉरेन टूर भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, या ट्रैवलिंग के थ्रू आपको कोई अपने पुराने फ्रेंड मिल सकते हैं, जिनसे आपका कोई वो आपके दोबारा से आप रीयूनाइट होएं, या आपकी कोई थोड़ा आप रिलेशनशिप में आएं, तो ऐसा कुछ हो सकता है और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी आपकी विशेज़ हैं, आपने जो अब तक काम करा है, जो अब तक आपने एफर्ट्स डाले हैं, वो इस साल उसको आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और बस आप अपने थोड़ा पॉजिटिव रहें, थोड़ा नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है आसपास, उसको थोड़ा इग्नोर करें एंड पॉजिटिविटी की ओर देखें, अपने डायरेक्शन में देखें, तो सब रहेगा अच्छा। और कम्युनिकेशन में आप थोड़ा अपने मतलब मे बी कम्युनिकेशन इस साल ज़्यादा हो आपकी लोगों से, थोड़ा फैमिली से अगर नहीं होती है तो इस साल काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो भी अच्छा रहेगा कम्युनिकेशन वाइज भी। एंड आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस साल सीखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा उनका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो। एंड रिलेशनशिप वाइज भी आप शायद आपकी मैरिज हो इस साल, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मे बी आपकी मैरिज हो, एंड वो आपके कोई पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आप ट्रैवलिंग के थ्रू भी अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, तो ये आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। सो ये जस्ट प्रिडिक्शंस हैं, तो आपकी जो विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी इस साल काफ़ी हद तक, और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस साल कि चलो कुछ जो नहीं हुआ इस साल कुछ तो होगा, तो ये ऐसा रहेगा मतलब। और वैसे सब अच्छा रहेगा, बिजनेस वाइज भी, करियर वाइज भी, एंड पर्सनल लाइफ वाइज भी, लव लाइफ, करियर लाइफ, सब अच्छा रहेगा। थोड़ा अपने थॉट्स पे, थोड़ा अपने अपने थिंकिंग में, मतलब थोड़ा अपने पॉजिटिविटी की ओर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, अगर आपको रेजोनेट हुई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी के लिए बाय बाय। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 दिस ब्लू हार्ट सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, जजमेंट, टेम्परेंस इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, टू ऑफ स्पोर्ट्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, तो आप वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड आप एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ मुझे चारों साइन दिखाई दे रहे हैं, और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, तो सारे साइंस हैं यहाँ। तो इस साल आपके अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं, और वो ज़रूर आप
उसको आप मतलब आपको उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप उसको शुरू कर सकते हैं कुछ मतलब टाइम में, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में भी कुछ मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं। और अगर आप जस्ट एक स्टूडेंट हैं तो आप कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं, मे बी आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसका काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा भी परेशान हैं कि जो भी अभी चल रहा है, जैसी भी सिचुएशन चल रही है, क्या मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, क्या ये चीज़ का कुछ भी ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो, तो वो ज़रूर होगी। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, आप करियर वाइज भी स्टेबल रहेंगे इस साल, एंड थोड़ा सा अपने डिसीजंस पे आप थोड़ा काबू रखना, थोड़ा सोचना, सोच समझ के डिसीजंस लेना। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी मदर आपको थोड़ा हेल्प कर सकती हैं, और आपको अपनी मदर से इस साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड द जजमेंट तो ये दिखाता है जो आपको अभी तक आप सोच रहे थे कि क्या भगवान आपके साथ मतलब वो करेंगे, मतलब वो आपकी सुनेंगे या नहीं, तो वो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग आने के उस पे, जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगी तब वो सुनेंगे, तब आपके जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी, और एकदम से पूरी होंगी, जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे ना इस चीज़ के बारे में तब, और एकदम ही होती रहेंगी, एकदम ही, मतलब जब कहते हैं ना कि सब कुछ एकदम से हो जाता है, सडनली हो जाता है और बहुत अच्छा होता है, तो वो चीज़ होगी आपकी लाइफ में। एंड टेम्परेंस तो आपकी लाइफ में इस साल बैलेंस काफ़ी आएगा, आप काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स को लेके, प्लस आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे अपने, आपका माइंडसेट काफ़ी अच्छा रहेगा इस साल। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब अगर आपके पास टू ऑप्शंस हैं, तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें, कोई भी ऑप्शन अगर लेंगे तो वो आप थोड़ा सोच समझ के लें। आप अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने फादर की हेल्प ले सकते हैं, और विद द नाइट ऑफ स्पोर्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो जिनको हर चीज़ करने की थोड़ी जल्दी लगी रहती है, मतलब अगर कोई डिसीजन लेना भी है तो बस आज ही ले लो, बस इसके बाद कोई टाइम नहीं है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, आपको थोड़ा सोच समझ के हर चीज़ करनी है। अगर कोई लाइफ में चीज़ जल्दी से भी आती है तो वो जल्दी से चली भी जाती है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको थोड़ा धीमे धीमे, थोड़ा सा धीरे से, स्लोली आपको एक फेयर डिसीजन लेना है सोच समझ के। और विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में इस साल कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, या आपको ऐसा जब एक ऐसा टाइम आएगा जो आपको लगेगा कि अब शायद कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना, आपको जस्ट ये देखना है कि अगर ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आते हैं, अगर आपको सक्सेस लेनी है, सक्सेस की एक टॉप सीढ़ी तक पहुंचना है, तो उस उन सारी उस पे स्टेप्स पे आपको कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नहीं रुकना है, आपको ये देखना है कि जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आप कितना ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स्ड फील करोगे, कितना ज़्यादा प्राउड फील करोगे, सिर्फ आप ही नहीं आपके पेरेंट्स भी कितना प्राउड फील करेंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और अपना एक पॉजिटिव वे में आपको अपनी मेहनत करनी है इस साल, सोच समझ के हर चीज़। और मे बी और आपके फादर एंड मदर के साथ आपके इस साल काफ़ी अच्छे मतलब रिलेशंस बनेंगे, डिसीजन में भी वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे लेने में। और फोर ऑफ कप्स मुझे ये दिखाता है मे बी आपने जो जैसे भी सपने देखे हैं, मतलब आपने अगर ये देखा है फाइनेंशियली कोई सपना देखा है, पर्सनल लाइफ वाइज कोई भी ऐसी आपकी विशेज़ हैं, तो वो सच में बदलेंगी। एंड विद द सन मुझे ये लगता है कि आपको नेम फेम एंड प्रोस्पैरिटी मिलेगा, इस साल नहीं तो लाइफ में ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस साल से उस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। तो
बस आपको अपने पे विश्वास रखना है, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है और अपने एफर्ट्स पे विश्वास रखना है, बैलेंस लाइफ में लाना है अगर नहीं है तो, और लॉयल रहना है सबके साथ। ये नहीं कि आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो मन में है सीधा कह दो, ये है बस कि आप अपने मन में कोई चीज़ ना रखें, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें तो आपको उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप सिर्फ अपनी अपनी सुनेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। आप अपने पेरेंट्स को साथ लेके अगर चलेंगे, और उनको ही साथ हमेशा लेके चलना चाहिए क्योंकि वही है हमारे लिए सब कुछ, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करें, उनको लव दें, उनको सब कुछ प्रोवाइड करें। वो तो आपको पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन बस देखने का नज़रिया थोड़ा बदले अगर ऐसा है तो, और अगर नहीं तो आपको अपने पेरेंट्स की साइड से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस साल, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का, काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलें, भगवान पे विश्वास रखें, पूजा पाठ करें और जस्ट लॉयल रहे सबके साथ, और घबराएं ना किसी भी चीज़ से। कोई न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है कर दीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, अगर आपको रेजोनेट हुई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी के लिए बाय बाय।